ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। ट्रेन हादसे में हाथी के बच्चे की मौत। देहरादून के नकरौंदा इलाके में एक हाथी के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। यह हादसा देहरादून के नकरौंदा इलाके से गुजरने वाले ट्रेन ट्रैक के पास हुआ है, जहां से खबर यह है कि ट्रेन ट्रैक पार करते हुए, जिसके बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। उत्तराखंड में लॉकडाउन के बाद ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है, जिसके बाद जंगली जानवरों की मौत की खबर भी आनी शुरू हो गई है। कई महीनों तक चले लॉकडाउन की वजह से जंगली इलाकों से गुजरने वाले ट्रेनें नहीं चल रही थी, जिसके कारण जंगली जानवर रेलवे ट्रैक पर घूमते देखे जा सकते थे। लेकिन अब ट्रेन की आवाजाही एक बार फिर शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आज देहरादून के नकरौंदा इलाके में एक हादसा हुआ है, जिसमें हाथियों का एक झुंड ट्रेन ट्रैक पार कर रहा था, तभी ट्रेन आ जाने के कारण हाथी का एक बच्चा ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे की खबर वन विभाग को लगते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथी के बच्चे की इस मौत के बाद अब वन विभाग के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई बार हाथियों की सुरक्षा को लेकर वन महकमा कह चुका है कि रेलवे ट्रैक के पास ताड़बाड़ की जाएगी, ताकि जंगली जानवरों के साथ होने वाले हादसों को रोका जा सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।